हो जाइए तैयार और 2 मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। शैतान फिल्म कर रही है शानदार प्रदर्शन। अजय देवगन की फिल्म शैतान काफी शानदार और जानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। फिल्म अभी तक लगी हुई है, दर्शकों को खूब पसंद आ भी रही है। क्रू फिल्म का ट्रेलर कल होगा आउट। तब्बू, करीना कपूर खान के साथ साथ कृति सैनन फिल्म क्रू के जरिए हमें धमाका करते हुए देने वाली है दिखाई। इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो कल यानी के 16 मार्च को होने वाला है रिलीज। कल फिल्म का फाइनली ट्रेलर रिलीज किया जाएगा और 29 मार्च को ये फिल्म हमें सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। क्रू फिल्म के टाइटल से ही आप समझ रहे होंगे कि फिल्म कैसी होने वाली है और टीजर के जरिए भी आपको थोड़ा बहुत समझ ही आ गया होगा। बस्तर फिल्म हुई रिलीज। जी हाँ, फाइनली बस्तर फिल्म का भी आगाज हो चुका है और अदा शर्मा के अलावा जितने भी कलाकार इस फिल्म से जुड़े हुए हैं उन सभी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जितने भी स्टार कास्ट है उनकी जो है बहुत तारीफ की जा रही है और नक्सलवादियों से जुड़ी हुई जो कहानी हमारे सामने पेश की गई है, दर्शकों को ये रूप बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है। खैर, अब देखते हैं बस्तर फिल्म योद्धा फिल्म के आगे कितने समय तक टिक पाती है। योद्धा फिल्म हुई रिलीज। योद्धा फिल्म की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पाटनी जैसे कलाकार इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म को रिलीज किया गया। जी हाँ, धर्मा प्रोडक्शन ने ही इस फिल्म को बनाया है। इससे पहले भी करण जौहर के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी बार काम कर चुके हैं। वहीं पर दूसरी ओर सिद्धार्थ का आर्मी पर्सन वाला किरदार दर्शकों को खूब लुभा रहा है। खैर, कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।